So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, राइट? सो देखना, एक छोटा सा सवाल जो अभी तक शायद काफी बच्चों के मन में है कि सर नवंबर 23 में मेरे को सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी मदद करने वाला हूं इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है ना? तो 5 मिनट का समय दे मुझे, शायद आपका दिमाग खत्म हो जाए कि अपने को सिंगल ग्रुप देना है या अपने को बोथ ग्रुप देना है। ये जो वीडियो है ये सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है, दोनों ही कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली रेलिवेंट है, ठीक है? दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एंड 5 मिनट के अंदर आपका डिलेमा सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, एकदम सिंपल जवाब देने वाला हूं मैं आपको। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, अपना सपोर्ट शो करते हैं, तो हमें भी मजा आता है, लगता है कि यार ठीक है, बच्चा हमारे साथ है। तो आपके लिए एफर्ट्स लगाने में, आपके लिए मेहनत करने में मजा आता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। तो सबसे पहले देखो, जो इंपॉर्टेंट है सर, दैट इज आपको क्या करना है फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, कि आपको अपने प्रिपरेशन को खुद असेस करना है। आपको क्या करना है सर? अपने प्रिपरेशन को खुद असेस करना है। यू हैव टू असेस योर ओन प्रिपरेशन, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पेरेंट्स आपसे कुछ भी कहें, आपके दोस्त आपसे कुछ भी कहें, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि सर आपका खुद का परसेप्शन क्या है अपने बारे में, आपके खुद के प्रिपरेशन कैसी है, आपकी खुद की तैयारी कैसी है। दैट इज वॉट दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है कि अभी आप तैयार हो बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन देने के लिए, या फिर अगर आप तैयार अभी नहीं है तो आपको लगता है कि जो बचा हुआ समय है, जो बचा हुआ टाइम फ्रेम है, जो भी समय एग्जाम के लिए बचा है, वो मेरे लिए सफिशियंट है कि मैं सारे कोचिंग्स खत्म करके 2 से 3 बार रिविजन कर सकूं टिल एग्जाम? बिकॉज दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? कि कोचिंग्स खत्म होनी चाहिए, 2 से 3 बार रिविजन होना चाहिए, मतलब मिनिमम प्री रिक्विजिट है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जो बचा हुआ समय है नवंबर तक, वो समय यू नो एडिक्वेट है कि आई कैन कंप्लीट ऑल माई कोचिंग्स एंड एट द सेम टाइम आई कैन रिवाइज द सिलेबस 2 to 3 times? इफ यू थिंक इट्स येस, द आंसर इज येस, डेफिनेटली यू शुड गिव फॉर बोथ ग्रुप, गो फॉर बोथ ग्रुप। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं दिन रात एफर्ट्स भी लगा लूं, बट अभी ना क्लासेस कंप्लीट होगी, ना 2 से 3 बार रिवाइज हो सकता है, तो भाई अपने को क्या नहीं करना, अपने को किसी की बात में नहीं आना, अपने को बोथ ग्रुप के बारे में नहीं सोचना है। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपने आपको सवाल करना है कि क्या जो मेरा मेंटल एस्पेक्ट है, क्या जो मेरा हेल्थ है, क्या जो मेरा माइंड है, क्या वो मुझे सपोर्ट करता है कि मैं दिन में 10-12 घंटे पढ़ सकूं एंड नवंबर तक कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकूं? क्योंकि अगर बोथ ग्रुप देना है सर तो 10 से 12 घंटा पढ़ना होगा एंड डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा पढ़ना होगा। इफ येस, इफ यू फील येस कर सकता हूं मैं ऐसा, सो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन येस यू मे डेफिनेटली थिंक ऑफ गिविंग द बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन। और आपको लगता है कि सर नहीं, मेरे पर्सनल इश्यूज भी हैं, मेरे फैमिली इश्यूज भी हैं, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, मेरे हेल्थ इश्यूज भी हैं, एंड 10 से 12 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आपको एक ग्रुप देना चाहिए। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है, हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, अपने को अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। दुनिया में स्टडीज इज नॉट एवरीथिंग, दुनिया में सीए डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। हो सकता है हमारे कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे हों, हमारे कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस ऐसे हों कि भाई हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम डेली बेसिस में 10 से 12 घंटा पढ़ सकें। हो सकता है कि घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम साथ में काम भी करते हैं। हो सकता है कि घर में किसी की हेल्थ खराब है, हमें उनका ध्यान भी देना है। हो सकता है हमारा खुद का हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा, तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं सर कि डेली बेसिस में 10 से 12 घंटा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। सो उस सिचुएशन में अपने को बोध ग्रुप नहीं देना ना चाहिए, अपने को किसी की बातों में नहीं आना है, अपने को किसी की बात पे नहीं आना है, खुद के मन की बात सुननी है। और अगर आपको लगता है सर ऐसा कुछ नहीं है, फ्री माइंड के साथ मैं 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहूं तो पढ़ सकता हूं, तो यस डेफिनेटली अपने बोध ग्रुप के लिए जाना चाहिए। अपने को पुश करना चाहिए कि मैं बोध ग्रुप के एग्जाम दे सकूं एंड मैं एक साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर सकूं, रैंक वगैरह अचीव कर सकूं या फिर पासिंग परसेंटेज अचीव कर सकूं। ये एक तरीका हो गया, ये एक सिचुएशन हो गया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, एकदम सिंपल भाषा में आप ये देख लो कि अगस्त एंड तक क्या आपकी सारी कोचिंग्स ओवर होने वाली है या नहीं। अगर अगस्त एंड तक आपके बोर्ड ग्रुप की सारी कोचिंग्स खत्म हो सकती है, मतलब सारा कोचिंग्स खत्म रहेगा अगस्त एंड तक, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये एकदम। आइडियली बोर्ड ग्रुप देने के लिए ना अभी तुम्हारा सारा कोचिंग्स खत्म हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट में अगस्त एंड तक क्या तुम्हारा सारा कोचिंग्स खत्म हो जाएगा बोर्ड ग्रुप्स का, जो भी तुमको कोचिंग्स वगैरह लेना है? और क्या तुम्हारे पास 2 महीने का प्रॉपर सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, राइट? एंड वो जो 2 महीने का टाइम सेल्फ स्टडी का मिलेगा, क्या कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा तुम उसमें पढ़ पाओगे?
बिकॉज एज आई टोल्ड यू हर किसी के एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं. इफ द आंसर टू ऑल ऑफ दिस इज येस कि भाई अगस्त एंड तक सारा कोचिंग्स भी खत्म हो जाएगा सर, अपने को और कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है सर, घर में कोई इश्यूज नहीं है सर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मैं बचे हुए 2 महीने भी आराम से 10 से 12 घंटा दे सकता हूँ, पूरा फुल फ्लेज्ड एफर्ट्स लगा सकता हूँ, मुझे लगता है कि यार येस आई कैन सिट दोस 10 to 12 आवर्स एंड कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो मेरे को रोकेगा, तो आपको डेफिनेटली 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 बोध ग्रुप देना चाहिए, अपने आपको पुश करना चाहिए. और अगर आपको लगता है सर अगस्त एंड तक तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग्स होगी सर या सिर्फ सेकंड ग्रुप की होगी सर, कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट का होगा, कोई भी 5 सब्जेक्ट का होगा, 3 सब्जेक्ट का तो कोचिंग ही बाकी रहेगा सर, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं बोध ग्रुप दे दूं, तो भाई तुम कोई शक्तिमान नहीं हो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं हो कि उसके बाद भी तुम बोध ग्रुप दे दोगे और पास हो जाओगे. इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, आईसीआई का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है कि जैसे दे दिया वैसे पास हो जाओ. टीचर्स माइट से यू टू प्रमोट देयर क्लासेस टू सेल देयर क्लासेस, नहीं बेटा कोचिंग्स खत्म कर लो यार, बोध ग्रुप हो जाएगा, कर लो इस बार कोचिंग्स, कर लो हमारी. बट यार दैट इज अ टोटली रॉन्ग कंसेप्शन, टोटली रॉन्ग कंसेप्शन. अगर अगस्त एंड तक आप मुझे पूछोगे ना सर बोध ग्रुप देना है सर, ऑडिट लॉ की कोचिंग्स बाकी है सर, बाकी सब हो गया सर, ऑडिट लॉ की क्लासेस लेकर क्या बोध ग्रुप दे सकते हैं क्या, मैं आपको बोलूंगा ना जी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा काम मत करिएगा. अगस्त एंड तक अगर आप ऑडिट लॉ की क्लासेस खत्म कर सकते हो देन यस आप मेरा कोर्स अभी ले लो, अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लो, फास्ट ट्रैक लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगस्त एंड तक कंप्लीट कर लो, बोध ग्रुप दे दो. बट अगस्त तक आपने ऑडिट लॉ नहीं किया है, उसके बाद आप बोल रहे हो सर क्लासेस लेनी है, तो दैट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, आई विल नेवर एडवाइज यू. बट हाँ इसमें डिपेंड एक पर्टिकुलर चीज पे करता है सर, ऑलरेडी मैंने करा हुआ एक सब्जेक्ट पहले से करा हुआ है, पहले कोचिंग्स वगैरह भी हो चुकी है, सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए लास्ट के 2 महीने में कोई क्लास लगाना चाहता हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लगा सकते हो. ऑडिट लॉ वगैरह का क्लासेस हो चुका है सर, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसका क्लासेस हो चुका है सर, पहले रिवीजन वगैरह हो चुका है, बट मेरे को सिर्फ अपने रिवीजन के लिए, अपने पॉलिश अपने आप को करने के लिए आखिरी के 2 महीने में दोबारा से एक शॉर्ट कोर्स लगाना है, तो वहां लगा सकते हो, साथ में बोध ग्रुप दे सकते हो, बट फ्रेश कोचिंग की जगह नहीं है बिल्कुल सर, फ्रेश कोचिंग की जगह बिल्कुल नहीं है. तो अगस्त एंड तक सारा कोचिंग खत्म कर लोगे, उसके बाद 10 से 12 घंटा कंसिस्टेंटली एग्जाम तक दे सकते हो, बोध ग्रुप देना है वरना नहीं देना है. तीसरा पैरामीटर, May 23 एग्जाम्स अगर आपने दिए थे, आपने बोध ग्रुप्स अटेम्प्ट किया था, तो आप देखें आपका रिजल्ट क्या था, May 23 एग्जाम के वक्त क्या रिजल्ट था. अगर आपने बोध ग्रुप्स दिए थे, पासिंग परसेंटेज मतलब आपका 40% एवरेज में मार्क्स आया था, आपका मान लीजिए लैटर से 40% एवरेज में मार्क्स आया था, फर्स्ट ग्रुप 160, सेकेंड ग्रुप 160, उतना मार्क्स आया था, 320 330 आया था बोध ग्रुप में, सो इन दैट सिचुएशन आई फील कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है, आप नवंबर में पुश करके एग्जाम्स बोध ग्रुप का क्लियर कर सकते हैं. बट अगर 200 नंबर आए थे सर May 23 में बोध ग्रुप देकर, 250 नंबर आए थे, तो अभी आप बहुत पीछे हैं भाई, अभी आप बहुत पीछे हैं, इतनी जल्दबाजी ना करें बोध ग्रुप्स के लिए. आप बोध ग्रुप देना भी चाहते हो तो पहले एक ग्रुप की तैयारी कर लो, पहले एक ग्रुप खत्म कर लो, फिर एग्जाम से 2 महीना पहले अपने आप को क्वेश्चन करना, क्या सेकंड ग्रुप की तैयारी मैं अभी कर सकता हूं कि नहीं, क्या टाइम बचा है मेरे पास टू कंप्लीट द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ग्रुप और नॉट. ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड प्लस अदर फैक्टर्स, एज आई टोल्ड यू हर बच्चे का एक अलग परिस्थिति होता है, हर बच्चे की अलग कहानी होती है, हर बच्चे का एक अलग सिचुएशन होता है. आपको क्या लगता है आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आपके एक्सटर्नल सिचुएशंस कैसे हैं, आपके फैमिली के हालात कैसे हैं, आपका हेल्थ इश्यू तो नहीं है, आपका जो माइंड का एप्लीकेशन है वो कितना है, आप कितना घंटा पढ़ के चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, कितना प्रेशर ले सकते हैं, इन सारी बातों पे भी निर्भर करेगा कि आपने सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए. एंड एज आई टोल्ड यू इट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन, इट शुड नॉट बी अंडर एनी काइंड ऑफ पीयर प्रेशर, इट शुड नॉट बी अंडर एनी काइंड ऑफ पीयर प्रेशर. तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया है ना सर, ये आपकी हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए कि मेरे को सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए. तो दिस आर द कॉमन टिप्स, कॉमन चीजें हैं. सीए इंटर के बच्चे हैं, सीए फाइनल के बच्चे हैं, दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, कि अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो सर मेरे को सिंगल ग्रुप देना है या मेरे को बोथ ग्रुप देना है. हो सकता है कि आप कुछ बातों पे एग्री ना करें, हो सकता है कि आप कुछ बातों पे एग्री ना करें, आपको लगे कि यार सर 2 महीना बाकी है सर, कोचिंग्स भी बाकी है सर, बट मेरे को लगता है मैं कंप्लीट कर लूंगा सर कोचिंग्स भी क्लासेस भी, तो लेट मी टेल यू भाई नहीं हो पाएगा, सच्चाई बता रहा हूं तुमको. तुमको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू नहीं हो पाएगा भाई. कोई एक आधा सब्जेक्ट बाकी रह गया है, वो भी 30-40 घंटे का कोई कोर्स अवेलेबल है, इलेक्टिव जैसा सब्जेक्ट है तो हो सकता है, बट अदर देन दैट पॉसिबल नहीं है, नो चांस. इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, अपने को लाइटली नहीं लेना है, प्रॉपर तैयारी के साथ ही एग्जाम हॉल में जाना है एंड प्रॉपर तैयारी के साथ ही अपने एग्जाम्स देने हैं.
सो ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा है, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है. एंड भैया मेरी तरफ से जो मदद हो सकेगा ना ऑडिट लॉ के लिए, तो मेरी तरफ से 200% हेल्प आपको मिलने वाला है. सारे स्टडी रिसोर्सेज, रिविजनरी, वॉइस नोट्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट. स्टे कनेक्टेड विद मी इन माई टेलीग्राम चैनल, इन माई यूट्यूब चैनल. टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी के अभी आप क्या कर लीजिए सर, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए.